हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज़ हैं वो उनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए, क्योंकि रेलवे अब स्लो मोड में आ गई है। वो जो राजधानी एक्सप्रेस वाली स्पीड थी, अब वो पैसेंजर एक्सप्रेस पे आ गई है, क्योंकि अब बारी आई है आपकी ज्वाइनिंग कराने की, आपको पेमेंट करने की, आपकी सैलरी देने की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इससे लेवल 3 को घाटा होगा, लेवल 5 को घाटा होगा, लेवल 2 के स्टूडेंट्स को घाटा होगा। देखिए, घाटा किसी को नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस स्लो होता है तो आपको घाटा होगा, और अगर ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है तो रेलवे को घाटा होगा। अगर मान लीजिए आपकी किसी भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग होती है, आप 50 से 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी उठाएंगे, अगर ये ज्वाइनिंग 6 महीने लेट हो जाती है तो आपको 2.5 से 3 लाख का घाटा होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात क्या कि क्या ये वैकेंसी सच में लेट हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी, बम्पर वैकेंसीज थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और उनका कराना था डीवी। उनके डीवी के लिए एक दिन में 160 बच्चे बुलाए जाते थे, जो मेरा बैच था उसमें भी 160 बच्चे थे, और हर जोन के पास लगभग 4 हॉस्पिटल होते हैं। एक हॉस्पिटल 40 बच्चों का मेडिकल एक दिन में कर देता है, यानी 160 बच्चों का मेडिकल करना एक दिन में पॉसिबल है, चारों हॉस्पिटल मिला के। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार कराए जा रहे हैं एक दिन में 30-30 बच्चों के डीवी, क्योंकि ये जानबूझ के प्रोसेस को स्लो किया जा रहा है। ये तो तब भी ठीक था कि चलो एक दिन में 30 बच्चों का करा लिया। यानी बेंगलोर जहाँ पे लगभग आपकी 800 के करीब वैकेंसीज़ हैं एसएम की, तो वहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है ये लगभग 1 महीने का हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ तक फिर भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अब आरआरबीज़ ने अपने हिसाब से डेट देना शुरू कर दिया है। कुछ आरआरबी ने अभी तक डीवी शेड्यूल किया है और कुछ की डेट आनी अभी बाकी ही है। इसका मतलब वो प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वैकेंसीज थोड़ी लटकी रहे, ताकि रेल का जो हर महीने 125 करोड़ का अप्रॉक्स फ़ायदा हो रहा है आपकी सैलरी बचा के, वो होता रहे। और अगर वो 8 महीने और हुआ तो 1000 करोड़ के लगभग ये नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक भी बेरोज़गार थे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक बेरोज़गार है, और उसमें आप घाटा फ़ायदा देख रहे हैं कि किसके आने से किसका, किसी का घाटा नहीं होगा। रिजल्ट एक साथ कभी नहीं आएगा, ये मैं आज ही आपको लिख के दे देता हूँ। हम लोग कितना भी ट्विटर कैंपेन कर ले, लेवल 6 के बाद ही लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। लेकिन रिस्पांस की आने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी टाइपिंग क्लियर हो गई है, पहली चीज़, जिससे आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा कि अब मैं टाइपिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो आप जो एसएससी की वैकेंसीज आई हैं उसके लिए भी तैयारी कर पाएंगे। ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा होगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। वरना अभी जो है, जो दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक डीवी ख़त्म होंगे, उसके बाद लगभग 1 महीना लगेगा डीवी और मेडिकल का रिजल्ट आने में, उसके बाद फिर लेवल 5 का रिजल्ट आएगा जो कि दिसंबर, और फिर ये 6000 वैकेंसीज जब 3 महीने खींच सकती हैं, तो वो 18000 वैकेंसीज लेवल 5 में है, वो लगभग 6 महीने 7 महीने खींचेंगी। उसके बाद लेवल 3 और लेवल 2, यानी आपकी अगर आप लेवल 2 में हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होते होते 2024 का चुनाव आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इतना लेट होगा, और आप कितने पैसे का आपको घाटा होगा वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर 6 महीने डिले होते हैं तो लगभग 3 लाख, अगर 1 साल डिले होता है तो लगभग 6 लाख रुपए आपके चले जाएंगे। तो एक कल ट्विटर कैंपेन करना है या अपना घाटा और फ़ायदा कैलकुलेट करना है बैठ के, किसी का घाटा नहीं होने वाला है स्टूडेंट का, अगर ये प्रोसेस फास्ट होता है तो। रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा, इस बात से निश्चिंत रहिए, लेकिन रिजल्ट जल्दी तो आएगा। अगर ये ट्विटर कैंपेन पहले हुआ होता तो हो सकता था कि 15 अक्टूबर तक सबके डीवी ख़त्म हो जाते और रिजल्ट जो है आपका लास्ट अक्टूबर तक आ जाता, लेकिन अभी क्योंकि नहीं हुआ तो जो अक्टूबर तक तो आप शेड्यूल हो गए डीवी, लेकिन अगर आप ट्विटर कैंपेन करेंगे तो हो सकता है लास्ट अक्टूबर तक या नवंबर के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाए लेवल 5 का, वरना लेवल 5 का रिजल्ट जो है वो दिसंबर से पहले नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। जिस तरीके से ये स्लो प्रोसेस चल रहा है, ये पूरी तैयारी है, 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ट्वीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका कुछ रिजल्ट निकल सके, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल सके। अपने आप में इतने निगेटिव मत रहिए कि कोई बच्चा लेवल 6 को छोड़ के लेवल 5 में आ जाएगा तो क्या होगा, एक बच्चे या दो बच्चे के आने से कुछ नहीं होगा। ज्यादातर बच्चों से अगर पूछा जा रहा है तो उनका माइंडसेट ये बन गया है कि उनको एसएम की पोस्ट मिल रही है, हायर लेवल है, 4200 ग्रेड पे है, तो वो वही लेंगे। और अभी एक नया नोटिफिकेशन भी आया है कि अगर आप 2800 ज्वाइन करेंगे तो आपको 4200 होने में 5 साल कम से कम चाहिए, अगर आप प्रमोशन बेस पे जाते हैं तो। कोई भी जब किसी को 4200 मिल रही है तो 5 साल लगा के फिर उसी जगह नहीं जाना चाहेगा, तो हर कोई जिसको 4200 मिल रही है वो 4200 ही लेगा, बशर्ते किसी की ड्रीम पोस्ट ही JEE या फिर SCC TC हो। तो ऐसे बच्चों को मेरे हिसाब से अगर उन्होंने मेहनत की है, उनका चांस बनता है, तो उनको दे देनी चाहिए अगर उनकी ड्रीम पोस्ट है, वरना मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होने वाला है, वो लेवल 6 ही ज्वाइन करेंगे। तो आप ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करिए अगर आप चाहते हो, और लेवल 6 वाले भी करें, वरना उनकी ज्वाइनिंग भी ऐसे ही लटकने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।